मेरा ये यराना को ये 40 साल का है और मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने प्रोग्रेस की है 40 साल में वो एक जर्नलिस्ट जो है आम जर्नलिस्ट जो जम्मू का है कश्मीर का उसके लिए रोल मॉडल है कि ये 40 साल क्या थे पहले और 40 साल के बाद इन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज करके कहा था। ये सरकार साहब ने कहा बधाई के पात्र तो हैं, ये जो चीज़ कर रहे हैं पहले भी कर रहे थे, इन्होंने स्टूडियो बनाया। लेकिन मैं कहता हूँ ये सोशल मीडिया की बात की है, ये सोशल मीडिया अच्छा भी है तो बुरा भी है। और ये जो आप आदर्श जी, मैं आपसे एक ही एक रिक्वेस्ट करूँगा, इसे यूज़ करना दिल जोड़ने के लिए, नफरत फैलाने के लिए नहीं। जो आजकल चैनल और जो आजकल सोशल मीडिया कश्मीर में है या यहाँ पर है या दिल्ली में है वो लड़ाता है, वो एक एक डिविसिव ऐसी चीज़ें करता है कि इससे आदमी एक आदमी दूसरे आदमी से अलग हो जाता है। तो कोशिश वो करना है वो न्यूज़ रिटायर्ड है कि आपको ना ये जो अपनी एडवर्टीजमेंट पॉलिसी जो मैं सुनता आ रहा हूँ पिछले 2-2.5 साल से कि जी वो कई डायरेक्टर चले गए, वो बनाते बनाते भी और वो हुई भी उस कमेटी के आप भी मेंबर रहे, तो खैर मैंने रिजाइन कर दिया था। तो उसका ये है कि आप सोशल मीडिया या कोई दूसरी जो इनका पोर्टल्स हैं उनकी तरफ आपका भी ध्यान नहीं गया सरकार का, इनकी भी बड़ी दुश्मनियाँ हैं, मैं कई दोस्तों को जानता हूँ मेरे साथ साथ हैं। तो आपकी एडवर्टीजमेंट पॉलिसी में जो अच्छे जो कंस्ट्रक्टिव करते हैं ना जो बैलेंस उनको सपोर्ट देनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट देनी चाहिए क्योंकि ये सर्वाइवल इनका अदरवाइज कोई नहीं है, ये तो इन्वेस्टमेंट है, इनका सर्वाइवल कोई नहीं है। और आपका भी इनक्रेज करना चाहिए और फिर मेरे ख्याल से जो आप सरकार को ये सोचना चाहिए ये जो नफरत फैलाते हैं उनके चैनल बंद करवाने चाहिए। हमारे टाइम पे जब मैं था तो हम यही करते थे, बान साहब को याद है कि हम बड़े बड़े गलत काम भी करते थे लेकिन हालात को काबू पाने के लिए वो चीज़ें करनी चाहिए, वो आजकल सरकारें नहीं करती। आज़ादी बहुत ज़्यादा आज़ादी भी अच्छी नहीं है।